विद्यार्थियों में भी एक टैलेंट रहती है इस विषय में, इवन स्कूल के बच्चों में भी कुछ न कुछ इनोवेशन का स्वभाव रहता है। इसको बढ़ावा देना है क्योंकि भारत ने इनोवेशन में कुछ न कुछ कर दिखाना होगा, तो छात्रों के लिए इनोवेशन आधारित कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, क्योंकि उनके अंदर ये जो स्पार्क पड़ा हुआ है उसको अगर चैनलाइज करें तो देश को बहुत कुछ मिल सकता है। स्कूली छात्रों के लिए इनोवेशन के कोर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और 5 लाख स्कूलों में 10 लाख बच्चों पर फोकस करके इस काम को बढ़ावा दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश के लाखों स्कूली विद्यार्थी इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और नए भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मेरा नाम हर्ष राघव है, मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मेरा नाम प्रशा है, अब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। सभी लोग स्पीड ब्रेकर को इग्नोर कर देते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए कुछ किया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा होता डस्टबिन ही खुद बता देता कि कौन सा कूड़ा कौन से डस्टबिन में डालना चाहिए, जैसे कि सूखा कौन से में डालना चाहिए और गीला कौन से में। प्रशा और हर्ष अपने अभिनव सोच के जरिए उन समस्याओं के समाधान के बारे में सोच रहे हैं जिन्हें हम सब अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह विज्ञान एवं तकनीकी के जरिए एक इनोवेशन की शुरुआत थी जिसे आगे बढ़ाने में इन्हें अपने शिक्षकों और अभिभावकों का साथ मिला। मुझे अपने स्कूल टीचर से इंस्पायर अवार्ड मानक के बारे में पता चला कि हम वहाँ पे अपने इनोवेटिव आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें फुल सपोर्ट और गाइडेंस मिली है। और जैसे ही गाड़ी स्पीड ब्रेकर के पास आएगी उसमें लगा सेंसर उसे अलर्ट कर देगा और गाड़ी स्लो हो जाएगी, जिससे एक्सीडेंट भी नहीं होगी। अगर आप सूखा कूड़ा गीले डस्टबिन में डाल देते हो, गीले कूड़े के डस्टबिन में, तो वो एक बीप बजाता है जो हमें बताता है कि हमने गलत कूड़ा गलत डस्टबिन में डाल दिया है। आज प्रशा और हर्ष जैसे लाखों स्कूली विद्यार्थियों के नए आइडियाज और इनोवेशंस को आगे लाने का सबसे उत्कृष्ट और बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, एक ऐसा मंच जो देश के रचनात्मक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर उन्हें दिला रहा है एक अलग पहचान, एक ऐसी पहचान जिसकी नींव विद्यार्थियों के विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित इनोवेशन से जुड़ी है। इंस्पायर अवार्ड्स मानक साल दर साल अपने उद्देश्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज यह विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित विद्यार्थियों के नए आइडियाज इनोवेशन की सबसे बड़ी प्रतियोगिता बन चुकी है। वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतियोगिता में देश भर के स्कूली बच्चों से मिले कुल 3,92,486 आइडियाज और इनोवेशंस में से 42,143 को इंस्पायर मानक पुरस्कार के अगले पड़ाव यानी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया था और उन्हें ₹10,000 का पुरस्कार प्रोटोटाइप बनाने के लिए DBT के माध्यम से दिया गया था। इसका प्रोटोटाइप बनाने में इंस्पायर मानक ने मुझे 10,000 रुपीस एज अ प्राइज मनी भी दी है, जिससे मुझे इसे बनाने में बहुत हेल्प मिली है। थैंक यू इंस्पायर अवार्ड मानक फॉर इंस्पायरिंग द इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। COVID-19 महामारी की वजह से इंस्पायर अवार्ड्स मानक वर्ष 2019-20 के जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन स्थगित करना पड़ा था, जिसका आयोजन बाद में मानक कंपटीशन ऐप के जरिए किया गया। राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुने गए 581 विद्यार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा तकनीक की सहायता उपलब्ध कराई गई और प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। इस दौरान विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के शिक्षकों छात्रों से सीखने का मौका भी मिला। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और राष्ट्रीय नवपर्तन प्रतिष्ठान भारत के द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में चुने जाने वाले 60 श्रेष्ठ आइडियाज इनोवेशंस की उपयोगिता व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उन्हें पूर्ण इंक्यूबेशन सहयोग प्रदान किया जाएगा। और अब समय आ गया है वर्ष 2019-20 के राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा का। 8th नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन NLEPC 2021 इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो।